अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे फ्री पेट्रोल नहीं लिया, तो आज मेरे पास एक चेक आया हुआ, तो हम हिस्ट्री शॉपिंग करेंगे और सर्विस इवेल्यूएट करके थोड़ा सा फ्री पेट्रोल लेंगे। तो चलें मेरे साथ, आप लोग को एक मिस्ट्री शॉपिंग करके दिखाते हैं दोबारा से। पहले भी एक मैंने मिस्ट्री शॉपिंग की थी, आज की लोकेशन डिफरेंट है थोड़ी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र और मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं। अच्छा, मिस्ट्री शॉपिंग से पहले आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें टाइम स्टैम्प फ़ोटो लेनी होती है एंट्री और एग्ज़िट के टाइम पे, तो मैं अपने पास टाइम स्टैम्प कैमरा ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पंप करीब ही है, बल्कि इनफैक्ट आ गए हम लोग पंप के करीब। तो एक हम पिक्चर जो है वो टाइम स्टैम्प ले लेंगे जिसमें पूरा पंप एक नज़र आ जाएगा। सनलाइट आ रही है सामने से, तो हम थोड़ा सा सनलाइट से बचा के फिर पिक्चर लेते हैं। और ये हमने एक पिक्चर ले ली है एंट्री की, एंट्री की पिक्चर हमने ले ली है। अब हम जाके लगेंगे लाइन में, और लाइन में जाके फिर हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। लाइन देख लेते हैं, जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसमें लग जाते हैं। आई थिंक ये वाली शॉर्टेस्ट लाइन है, इसमें लग जाते हैं चल के। तीन गाड़ियां हमसे पहले आगे खड़ी हुई हैं। ये शॉप है सामने एक, हम शॉप में भी जाएंगे फ्यूल डलवाने के बाद, और इनका वॉशरूम भी चेक करेंगे। तो अभी हम अपना वेट कर रहे हैं टर्न का। पंप को ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि भाई पंप साफ़ सुथरा है क्लीनिंग के एस्पेक्ट से, तो पंप बज़ाहिर साफ़ सुथरा लग रहा है। ऐसा सच कोई गंदगी या कोई कचरा पड़ा हुआ नहीं दिख रहा। यूनिफॉर्म ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जो फोर कोर्ट के जो चैंपियंस होते हैं, यानी कि जो फोर कोर्ट का स्टाफ होता है, उनका यूनिफॉर्म भी इस पंप के लोगों का थोड़ा बेहतर लग रहा है। कोई फेड नहीं है, फटा हुआ यूनिफॉर्म नहीं लग रहा। बाकी नेम बैज हम जब करीब जाएंगे तो फिर नोट करते हैं कि नेम बैज लगा हुआ है या नहीं है। विंडस्क्रीन क्लीनिंग भी ये लोग कर रहे हैं। इस पंप पे मैं पहले भी मिस्ट्री शॉपिंग कर चुका हूँ, मैं पहले भी इनकी रेटिंग अच्छी आई थी, इनकी सर्विसेज अच्छी थी। लेट्स सी आज कैसा ये लोग जो है सर्व करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम इनकी रेटिंग करेंगे। गाड़ी में फ्यूल मेरा ऑलमोस्ट फुल है, तो बस मैं थोड़ा सा फ्यूल डलवाऊँगा, ज़्यादा फ्यूल डलवाने की जगह नहीं है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। 1000 रुपये का वी पावर डाल दीजिएगा। नेम टैग इनका कोई ख़ास लगा नहीं हुआ। मुझे रिसिप्ट चाहिए, रिसिप्ट चाहिए मुझे। अच्छा, ये भी चक्कर होता है, आप रिसिप्ट जब मांगते हैं ना, यूजली हर कोई रिसिप्ट मांगता नहीं है, तो जैसे ही आप रिसिप्ट मांगते हैं वो वैसे अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये तो शायद कोई सीन लग रहा है। यहाँ पे लोग मिस्ट्री मोटरिस्ट कहते हैं इनको। चले जी, फ्यूल हमारा डल गया है, रिसिप्ट हमें ये दे रहे हैं, और अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे शॉप के ऊपर और फिर हम जाएंगे बाकी का काम करने। थैंक यू। रिसिप्ट हमारे पास आ गई है, इसको यहीं पे रख देते हैं और गाड़ी को हम पार्क करते हैं आगे चल के। शॉप बनी हुई है और पार्किंग भी अच्छी है, तो लेट्स पार्क द कार और देन हम जाके बाकी का काम करते हैं। शॉप के आगे हमने बिल्कुल पार्क कर दी है गाड़ी। पहले हम जाके वॉशरूम चेक करेंगे और उसके बाद फिर शॉप पे जाएंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे छोटी मोटी, और फिर आके एग्जिट की भी पिक्चर लेंगे। तो मैं अब जाता हूँ बाहर। वॉशरूम की तरफ अब हम जा रहे हैं, वॉशरूम पे हम देखेंगे कि कैसी कंडीशन है वॉशरूम। ऐसा हमने भी देखना होता है कि लिखा क्या हुआ, तो लिखा हुआ है वॉशरूम सिर्फ कस्टमर के इस्तेमाल के लिए, बट आई थिंक इट इज़ ऑक्यूपाइड। चेक करते हैं इसमें, ठीक है, और पिक्चर भी ले लेते हैं। कोई गया हुआ है वॉशरूम में, तो हम वॉशरूम के बाहर वेट कर रहे हैं।
ये कस्टमर वॉशरूम था बट ये कि स्टाफ यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसे ही है कि स्टाफ भी यूज़ कर रहा होता है। हम कुछ नहीं, बस पिक्चर्स ले लेंगे और चलेंगे। एक पिक्चर ले ली और एक पिक्चर ऐसे ले लेंगे कि दिख जाए कि भाई कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम चलेंगे और सैनिटाइज़र मांगेंगे इनसे ताकि कंप्लीट हो जाए हमारा। तो डेफिनेटली इन्होंने बोलना नहीं जी सैनिटाइज़र तो नहीं होता हमारे पास। अच्छा जी, दो पिक्चर्स मेरी और रह गई थी, तो दो पिक्चर्स और हैं मेरी। वो थी कौन सी, एक तो शॉप की लेनी थी मैंने पिक्चर, और एक जो है वो जाते जाते एग्जिट की ना, तो एक पिक्चर मैं शॉप की ले लेता हूँ जिसमें शॉप दिख जाए, और बाकी एग्जिट की पिक्चर है, एग्जिट के टाइम की ले लेंगे। ठीक है जी, तो एक एग्जिट की पिक्चर ले लेते हैं ऐसे, और शॉप की मैं कोई भी चीज़ ले लूँगा पिक्चर, शॉप की पिक्चर मैं बैठ के भी ले सकता हूँ, उसके लिए टाइम स्टैम्प ज़रूरी नहीं है। तो जाके सैनिटाइज़र मांगते हैं इनसे और देखते हैं कि सैनिटाइजर मिलता है कि नहीं मिलता। सैनिटाइजर है आपके पास? वॉशरूम में रखना नहीं होता ना सैनिटाइजर वगैरह? आई टोल्ड यू गाइस। और बस एक शॉप की भी पिक्चर ले लें, वो रह गई थी, वो नॉर्मल कैमरा से मैं पिक्चर ले लूंगा ताकि मेरा काम हो जाए। नॉर्मल कैमरे से हम पिक्चर लेते हैं, शैल सेलेक्ट। ठीक है जी, हमारा काम पूरा हुआ, अब हम चलते हैं वापसी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हार्डली 5 मिनट का टास्क था जिसमें मैंने फ्यूल डलवाया, शॉप पे गया और उसके बाद वॉशरूम को ऑब्जर्व किया, कुछ पिक्चर्स ली, एंट्री एग्जिट की, वॉशरूम की, शॉप की, दैट्स इट। और एप्लीकेशन में हार्डली आपको 10 मिनट लगते हैं पूरा इस चेक को परफॉर्म करने में, जो कि मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ। तो जो लोग अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि चेक कैसे परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग या ड्राइव व्लॉग के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।